गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह हो गई 11:30 बज गए और हम लोग उठे। ये भी भाई देखो, मैं भी ब्रश कर रहा हूँ, ये भी ब्रश कर रहे हैं, बाकी बंदे बैठे। और यहाँ पे देखो सोनू भाई और उसका शागिर्द चेतन भाई ना, ये दोनों गाड़ियाँ वॉश कर रहे हैं। ये गाड़ी वॉश करके हो गई, ये दोनों गाड़ी वॉश कर रहे, खतरनाक काम कर रहे। ये जो गाड़ी खराब हुई थी ना कल दोस्तों, डेंजर लेवल पे। कल आपने देखा नहीं होगा, तो दिखा तो पूरी खराब हो गई। ये देखो अंदर, देखो मिट्टी, देखो रेडिएटर की, पूरा खराब हो गया यार। बाप रे, विश्वास कैसे लगी भाई। वो गाड़ी भी देखो, थोड़ी देर में चकाचक हो जाएंगे, पर फिर से खराबी होने वाली ऐसा लफड़ा ही है। और बाकी बंदे वहाँ पे बैठे रिलैक्स कर रहे दोस्तों। ये शैलेंद्र मुझे पासवर्ड बता रहा है, ये बंगले का जो नेट है उसका पासवर्ड। ना घटिया पासवर्ड मैंने अभी तक नहीं दिखा। ये देखो K3CJQ और उसमें भी पहले 5 अक्षर कैपिटल और दूसरे स्मॉल लेटर में, क्या पासवर्ड रखा है। अरे कौन दिमाग में रहेगा भी नहीं, इनके भी नहीं रहेगा, ये भी भूल जाएंगे। और इसका तो विषय ही नहीं, ये तो अच्छा तो नहीं भाई। इसकी गाड़ी देखो क्या चमक रही है, ओरा 1.5 star 1.2। दोस्तों अभी गाड़ी वॉश की तो फिर से लफड़ा हो गया, फिर से अंदर पानी के प्लास्टिक लगा के हम लोग जा रहे हैं। चलेगा ना वैसा, अब ये प्लास्टिक लगा के गाड़ी चलानी पड़ेगी। ये जुगाड़ किया और वो गाड़ी भी उधर रेडी है, पर वो गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, यही गाड़ी लेके जाएंगे। अभी हम लोग निकलते आगे क्योंकि ये टाइम पास कर रहे हैं। अभी 3 बज गए, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। हम लोग आए थे और 2-3 दिन रह गए यहाँ पे, पर कुछ नहीं देखा। अरे डैम के इर्द गिर्द इधर उधर घूमे बस, आज भी वही होने वाला है। पर मैं तो रिवर्स वाटरफॉल देख के रहूँगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ ये अपने सोनू भाई को ले गए। तो यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे जाके देखने वाले कुछ स्पॉट और एक दो होटल। और ये रोड देखो, जो कल हम यहाँ से आए थे ना, पूरा रिस्की रोड था। अभी एकदम नॉर्मल है, यहाँ पे किरण दादा बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं किसी से। और हम लोग इससे निकले। और आपको दोस्तों कल का मैटर बताओ तो, कल ये सोनू भाई और ये खाना लेके आ रहे थे हमने, उस टाइम इन्होंने पिक्चर देखा इधर ही थोड़ा सा आगे। तो ये इतना रिस्की एरिया है, इसमें जंगल एरिया है, कपड़ा है जंगल एरिया। और रोड देखो एकदम खतरनाक रोड। मैं तो इसको सजेशन दूंगा कि भाई अच्छा रोड बनाओ यहाँ पे, नहीं तो भाई पब्लिक आएगी कैसे। पब्लिक आने के लिए रोड तो अच्छा चाहिए। अभी हम लोग खाली मौसम देखना, मौसम देखो, ये पूरा नजारा है। चारों तरफ आपको बस बड़े बड़े सह्याद्री के पर्वत, नदी नदी है, बीच में रोड है, पीछे आपको एक मरा और यहाँ पे भी मुझे नमस्ते कुछ प्राइवेटिक छोटा सा घर है। और वहाँ कुछ बड़ा होटल जैसा कुछ हो रहा है मुझे लगता है वो। फिर से आपको ये नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ पे, क्या मस्त। वो देखो वाटरफॉल, वो कौन सा वाटरफॉल है उधर, वो तो नॉर्मल 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 को भी इज्जत है, नॉर्मल भी बहुत बड़ा है। और इधर दोस्तों थोड़ी थोड़ी देर में स्कूल आता है डायरेक्ट। यहाँ पे देखो ये मराठी स्कूल है, वहाँ पे शाला चालू है, शाला पहली से
चौकी देख के इतना अच्छा लगा, ऐसा लगता है जाके बैठे यार। दिखाओ ये देखो खाना खाया भाई ने, ये देखो दिखाओ जरा, ये देखो मस्त बाहर बैठे सब बंदे, मस्त चालू है शाला जबरदस्त जिंदा भर से चला जो है। ये भी स्कूल है नहीं के लिए। ओके ये देखो पैंथर दोस्तों, हाइट इतनी ना है, कंटिन्यू हाइट है, चढ़ाई पे ही चढ़ रहे हैं हम लोग। ये देखो गाड़ी 10 का स्पीड बस, और यहाँ पे ये देखो पेड़, देखो पेड़, ये पूरा पेड़ देखो भरा है फल से, पुराने पुराने पेड़ है एकदम खतरनाक। ये देखो फुल हाइट ही हाइट, इतनी चढ़ाई है, इतनी चढ़ाई। अभी अपने बंदे आएंगे इधर, उनको इधर से लेके जाएंगे। विचारू का गाडी लावायची भेटे नहीं, नेटवर्क नहीं होते गाइस, ठीक नहीं गेला मतलब मैंने। फाइनली गाड़ी चालू हो गई, अचानक से पानी आया है, और ये पानी गाँव के इधर आपको रुके थे, गाँव के इधर से एकदम भीतर रम गया वैशाली। हाँ इधर पूरे थांबा, इतना तो धबधबा है, पूरे पूरे खाई जा लगा पूरे घूम पूरे क्यों वैशाली कॉलेज उधर है तो रात के पाओ पैदल जा रहा है, वो धबधबा है। हाँ तीखड़े पूरे खाली, एक नंबर है तीन माने साइन ला जगह पूरा तो ऊंचे पर इधर थामो गाड़ी। हाँ ये तो थामा ना, ये कौन जाए तक पाई भाई। हाँ ये मार चला लगा तेरना संगा इधर जा, ये गाड़ी लाओ ना गाड़ी लाओ, तिकडे कॉल है तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे नाइजरा वाटरफॉल के रिप्लिका जो यहाँ पे है उधर जा रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे आपको नॉर्मल लगेगा, पर इससे थोड़ा सा आगे जाओगे ना अलग लेवल का ही नज़ारा है। सब लोग मस्त पे के एकदम चल रहे हैं रिलैक्स में, और मज़ा आ रहा है। यहाँ पे देखो वादिया, पीछे हमारे कलसू भाई के शिकर है, यहाँ पे बकरियाँ चल रही है रिलैक्स में। और यहाँ से जाएंगे आगे और फिर करेंगे राडा, दिखाएंगे आपको एक्चुअली। दोस्तों आ गए हम लोग ये छोटे से धबधबे के यहाँ पे बाप रे छोटा सा ही धबधबा, एकदम छोटा सा। ये देखो भाई जींस मध्ये ठेव ना, जींस मध्ये, जींस मध्ये ठेवा।
तो ये है सीन दोस्तों, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं एक नायगरा फॉल का। थोड़ा सा रिप्लिका बनाने की कोशिश की है और इसका नाम है वैशाली वाटरफॉल, एकदम रिलैक्स। और इसकी खासियत ये है कि हम लोग यहाँ से चल के जा सकते हैं उधर तक, ये एकदम मस्त है। भाई तो अभी हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल में। अगर ये पत्थर गिरे तो कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा संभाल के रहना दोस्तों। दोस्तों चप्पल गई, चप्पल गई और ये दोनों गए चप्पल लाने के लिए, चप्पल निकल के गई, लफड़ा हो गया, बिल्कुल लफड़ा हो गया यार। गई चप्पल, गई, दोनों गए थे यार। नहीं किधर गया वो बंदा, ये देखो इसकी चप्पल निकल गई यार, हमारी चप्पल बच गई, सबके चप्पल है, इसकी चप्पल गई, कुछ तो करो यार। अरे चप्पल गई, 70,000 की चप्पल। अरे पर लाना चाहिए था ना, इतना क्या कर रहा है तू। अरे इसकी गई 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 यार। अरे यार चप्पल गई यार। अरे मला वाटलं दुसरं कोणाची म्हणून मी अडवू नाही शकलो, मी अडवली असती। डाय मारना चाहिए था, डाय मग डाय मी टाकली असती। डाय सोनू साठी डाय काय चीज आहे भाई? सोनू की चप्पल हमारे श्रीमान लेजेंड ने खरीद कर दी। बहुत बुरा, बहुत बुरा। चलो नायगरा फॉल से अभी आगे बढ़ते। दोस्तों फुल एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, सब बंदे, ये देखो शजिंदर भाई, ये सोनू भाई, ये बाबू भाई, ये पट्टू भाई, मजा कर रहे हैं। वो दोनों उधर कुछ कर रहे हैं, चल रहा है। अगर चप्पल से इसके लाई तो 5-star होटल में किरण दादा लेके जाने वाला है, अगर लाई तो समेट के जाएंगे, मजा आएगा। मुझे लगता है डालेगा वो है, तो चप्पल डालने वाला है। दोस्तों फुल एंजॉय किया मैंने और मेरे जो भी फोटो आए वो फोटो सोनू भाई ने निकाले उसको फुल इज्जत। और अभी यहाँ से निकल रहे, एकदम मस्त है माहौल। आप भी अगर आ रहे हो यहाँ पे भंडारदरा पे, तो भंडारदरा से लगभग 2 या 3 किलोमीटर पे ये वाटरफॉल है, आप आ जाओ और एंजॉय करो। ना सवाई डालो। दोस्तों अभी आके हम लोग निकल रहे, ये रोड देखो कितना बांध के, अभी मैं रनिंग करके जाऊंगा इधर से और आप देखोगे मुझे रनिंग करते हुए। रुको थोड़ा, दूसरा कैमरा मारता हूँ, पाप लगेगा पाप। दोस्तों फिर से पानी अंदर गया, तो अभी टी शर्ट से निकालना पड़ेगा। ये देखो पानी, देखो कितना है। क्या हो गया क्या मालूम इस गाड़ी को, कंटिन्यू पानी ही जा रहा है अंदर। लफड़ा ही हो गया है दोस्तों, लफड़ा हो गया है। अभी पेट मत देखो, टाकी देखो, टाकी देखो, टाकी में इतना पानी क्यों जमा हो रहा है। अभी मुझे लगता है गाड़ी वहाँ पे लेके खोलना पड़ेगा और पेट्रोल साफ करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। और ये थैली लगाई उसका भी कुछ फायदा नहीं यार। अभी चालू करके देखते हैं, अगर हुई तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं। मुझे लगता है ये ट्रैक इधर ही खत्म होगा अपना।
चलो लव यू दोस्तों। भंडारदरा का मैंने एक देखा कि जहाँ पे भी जाओ ना वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पॉट बनाए उन्होंने जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक छोटा सा स्पॉट बनाया है वहाँ पे, आप यहाँ पे चेंजिंग रूम भी रखा है, बाथरूम भी रखा है, और यहाँ पे बहुत सारे बंदे ऐसे स्नान करने के लिए आते हैं। देखो ये पीछे देखो मस्त है जी, दिखा दो दूसरे स्पॉट से आपको। ये देखो एकदम मस्त बना है, यहाँ पे लोग नहाते यहाँ पे चेंज करते और जाते, ये एकदम खतरनाक किया है। और यहाँ पे बैठने के लिए और चाय पानी का भी है, यानी रोज़गार भी मिला है यहाँ पे। यहाँ बहुत सारे बंदों को इससे रोज़गार भी मिलता है, वो एकदम भारी काम है। यहाँ पे ये गाड़ी लगी है, यहाँ पे ये अंकल कुछ कुछ बेच रहे, मस्त है। कहाँ कहाँ पर मजे पण मजे इतने तो उड़न पड़े थे लोग। कंटिन्यू खाते कंटिन्यू आणि आपली गाडी पण आहे समोर। दादा एक मिनिट फक्त, माझी बहीण खूप मोठी बहीण आहे फक्त फोटो काढू। अच्छा मला वाटलं मोबाईल घेऊन दिले। अरे इतर पिंडी नारिंडे गुल्ला, इतर पिंडी नारिंड न गुल्ला एक नंबर। अरे आईला खूप सारं प्रेम चांगली मजा घ्या या व्ह्यूची। हा व्ह्यू बघण्यासाठी लोक खूप लांबून लांबून येतात, जसं आम्ही सुद्धा 500 किलोमीटर अंतर क्रॉस करून आलोय। तुम्ही बोलतील 500 किलोमीटर तर मुंबईपासून भंडारदरा नाहीये, पण ॲक्च्युअली थोडंसं लॉन्ग कट मारून आलोय, थोडं नाशिक बिशिक साईड इकडे तिकडे असा विषय झाला आहे। आणि इथे मॅटर झालेलं आहे गाडीचं, काहीतरी काहीतरी झालंय बघा, ते पकडा पकडा, तसंच राहू दे तसंच राहू दे। गाडी बंद पडलेली आहे मित्र, गाडी फायनली बंद पडली आणि काहीतरी मॅटर झालं आहे असं होतं। आणि नक्की स्टेअरिंग विरिंगचं काम फिट केलेलं आहे 100%, काहीतरी झालं आहे इथे खूप मोठं। मला असं वाटतं ही चढण विमान धक्का मारून चढवेल का असं काहीतरी असं नाही, पण फेल आहे असं नाही आहे। सीन चेंज झालेलं आहे, काय होतं सीन धक्का मारून चढवायचा बरोबर त्यांना फक्त Thank you.
आणि अचानकपणे जंगल आलेलं आहे. या जंगलामध्ये तुम्हाला कधी वाघ दिसू शकतो. आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और यहाँ पे बाकी है, यहाँ पे गूगल पे कर सकता है, तो आप जान से आओगे तो अच्छा होगा.